अरे भाई, लड़की तो वैसे भी पराए घर की होती है, अब जो काम कल करना था वो आज कर दिया। देखिए मारसा, या भणे के नहीं भणे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठाकुर निरंजन सिंह की बेटी है, इन्हें के कमी है। माँ मैं पढ़ूंगी, माँ मैं पढ़कर खूब नाम कमाऊंगी। माँ, पति और पत्नी का संबंध स्वामी और दासी का नहीं, दोस्त का होता है। भैया, गाँव में ये सब संभव नहीं है। बिल्कुल अपनी माँ की फिक्र मत करो, तुम तो पतंग उड़ाने में माहिर हो। ऐसे उड़ाना, और आज रात में तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा। बाबूजी, बाबूजी, देखो मैं पास में पहुंच गई हूँ। अरे वाह, क्या हुआ? क्लास में फर्स्ट आई है। अरे वाह, हमारी बेटी क्लास में फर्स्ट आई है। शाबाश, हमारी बेटी क्लास में फर्स्ट आई है, इसके बदले में बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मुझे साइकिल चाहिए। अरे नहीं नहीं, साइकिल नहीं, साइकिल के बदले इसे कुछ और दिला दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। डरो 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 नहीं, रुको। देखो बेटे, इस तरह से जिद नहीं करते हैं, नाराज नहीं होते हैं। अच्छा देखो, तुम्हें हम साइकिल दिलाएंगे, नहीं 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 दिलाएंगे, दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे ये हम बाद में तय करेंगे। पहले पास होने की खुशी में सब लोगों में जाकर के मिठाई बांटो। हाँ। ओके। लड़की बहुत जिद्दी है नहीं, लेकिन हाँ। साथ में बहुत सीधी है। गाँव में सुनिए, ये यहाँ क्यों आई है? जरूर कोई बात है। सुनो सब लोग, छह में से कोई भी अगर बसंती के बलात्कार में कोई भी बात जानता हो या देखी हो है, तो इंस्पेक्टर साहब ने सब सच सच बता दो। पूछो सर। तुम चाचा, तुम क्या जानते हो? और तुम तो? हमने कुछ सुना है। क्या सुना? बसंती इस गांव से मुंह काला करके भाग गई। अच्छा, और कुछ नहीं? और आपने? बसंती सरकार को अपना बयान खुद दे रही है, सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अच्छा, और कोई कुछ जानता है? देखो, कोई भी कुछ भी जानते हो तो हमारी सच सच बता दो, नहीं तो बाद में मुश्किल में पड़ जाओगा। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा घर जा। जी बाबूजी। मुझे तो लगता नहीं इंस्पेक्टर साहब की ये और कुछ जानते हो। वो तो कमाल की लड़की है, बलात्कार के बाद तो कोई लड़की मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती है। वो तो सीधा कचहरी पहुंच गई और इंसाफ भी मांग रही है। कैसी भी है, वो किसी से डरने वाली नहीं है, वो किसी को छोड़ेगी नहीं। माँ, चौपाल पर वो लोग उस लड़की के बारे में गंदी गंदी बातें क्यों करते हैं? तुम्हें ये सब जाने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर जा।
आजकल तो गांव में एक ही चर्चा है, बसंती का बलात्कार। चौपाल में पुलिस भी आकर के गई थी। जमाना बहुत खराब हो चुका है, कहीं पे भी कोई सुरक्षित नहीं है। अरे निशा, पिंको, आ जाओ यहाँ। जी माँ। आ जाओ जाओ। क्या है? खा। माँ, बलात्कार क्या होता है? देखो बेटे, बच्चों को हर चीज जानना जरूरी नहीं होता है। तुम्हें दुनिया भर की बातों से क्या मतलब है? लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। बाबूजी, मुझे साइकिल खरीद के दीजिए ना। साइकिल? साइकिल लड़कियों के चलाने की चीज नहीं है, आजकल जमाना बहुत खराब है बेटे। तुझे तो ये सीखना चाहिए कि घर कैसे चलाते हैं, घर में क्या क्या काम करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, घर की सफाई कैसे रखते हैं, और जब कोई मेहमान आए तो उनकी इज्जत कैसे करते हैं, बड़ों का आदर कैसे करते हैं, समझी? बाबूजी, शहर में लड़कियों को पाबंदी नहीं दी गई है, वो अपना नाम खुद बनाती है, ऐसे मैंने किताबों में पढ़ा है। ये सारा शहर में होता होगा, ये सब वहीं चलता है बेटे, अपने समाज में, अपने गांव में ये कुछ भी नहीं चलता है। तुझे तो अपने गांव की सुंदर और सुशील लड़की बन के रहना है। जी बाबूजी। बाबूजी, कल से हमारी छुट्टियां शुरू हो रही है, हम कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? हम लोग मामा के घर जाएंगे। ठीक है, मामा के घर जाना। ये! मामा जी! अच्छे बाबा, क्या बात? अच्छा बताओ बेटे, तो जो किताबें मैंने तुम्हें दी थी वो सब पढ़ ली तुमने? हाँ मामा जी, मैंने सब पढ़ ली, और पता है मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। मामा जी, मैं भी पास हुआ। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और पता है मामा जी, मैं साइकिल चलाना भी सीख लिया। अच्छा बताओ फिर, हमें साइकिल चला के बताओ। हाँ, नहीं 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 निशा, तुम साइकिल नहीं चलाओगी। अरे क्यों कंचन? नहीं, बच्चों को साइकिल सीखनी चाहिए, उनको चलाने दो साइकिल। कंचन, ये शहर है, शहर में गाँव की तरह रूढ़िवादिता नहीं है, यहाँ बच्चे सब कुछ सीखते हैं। चलो 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 चलो, आओ बैठो। अरे वाह, तुम्हें तो आ गई है, चलाओ चलाओ। अरे वाह, चलो बेटा। अरे बाबा, हमारी निशा तो बहुत ऐसा साइकिल चला रही। मामा जी, मैंने कहा था ना मुझे साइकिल अच्छी तरह से आती है। हाँ बेटा, तो बहुत अच्छी तरह से आती, लेकिन संभाल संभाल के चलाना। मामा, कुछ नहीं होगा। आ जाओ आ जाओ, यहाँ से मोड़ लो। हाँ, ये वेरी गुड। मामा हट जाइए। हाँ हाँ, हट जाओ हट जाओ, तो तुम हट जाओ, तुम हट जाओ। अरे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्या बात है। अरे हमारी निशा तो साइकिल में भी फर्स्ट आ गई है। तुमने तो थका दिया मुझे। बाबा जी, मैंने साइकिल कैसे चलाई? अरे बेटे, तुम तो बहुत से भी अच्छी साइकिल चलाती हो। अच्छा मामा जी, मैं तुम्हें एक बात पूछूं? पूछो। बलात्कार क्या होता है? बेटे वो तुम सामने देख रही हो, जमीन और आसमान एक हो गए, बताओ उस जगह को क्या कहती? नहीं मामा जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। हाँ बेटे, जैसे ये साइकिल मेरी है। मेरी है ना? हाँ। इससे सिर्फ मेरा हक है। हाँ। हाँ। इसको मेरी इजाजत के बगैर अगर कोई ले ले तो ये गलत है। वैसे बेटे, ये जो शरीर है ना, ये तुम्हारा है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अगर कोई इसे तुम्हारी इजाजत के बगैर छूता है तो ये गलत है। मामा जी, जब बलात्कार होता है तो उस लड़की का क्या दोष है? नहीं बेटे, लड़की का कोई दोष नहीं होता, दोष बेटे उसके तकदीर का होता है। मामा जी, जब बलात्कार होता है तब लोग क्यों कहते हैं कि वो लड़की चरित्रहीन थी? नहीं नहीं बेटे, लड़की चरित्रहीन नहीं होती, आदमी की अपराधी प्रवृत्ति होती। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तो तुम्हें खुद ब खुद ये बातें समझ में आने लग जाएंगे। लेकिन जिंदगी और हक के लिए लड़ना कभी गलत नहीं है बेटे। अगर आप अपनी जिंदगी के लिए नहीं लड़ सकते, अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, तो आपको जीने का कोई हक नहीं। मामा की बातों ने निशा के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। जब वो छुट्टियां बिताकर गांव वापस आई तो उसे चैन नहीं था, बार बार उसके जहन में मामा के शब्द गूंजा करते थे। जब तुम बड़ी हो जाओगे ना, तो तुम्हें खुद ब खुद ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन जिंदगी और हक के लिए लड़ना कभी गलत नहीं है बेटे।
जो आदमी अपनी जिंदगी के लिए नहीं लड़ सकता, जो आदमी अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता, उसे जीने का कोई हक नहीं। अपने पैरों की चोटी एक टूट गई, दूसरी बदल दी, और फिर तुम औरतों तो सिर्फ हमारी गुलामी करने के लिए बनाए। रात को हमारा मनोरंजन करना, दिन में खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना। तुम्हें शायद आदमी की ताकत का अंदाजा नहीं। नहीं! क्या हुआ? माँ, क्या हुआ निशा? माँ, मैंने सपना देखा। कैसा सपना? बलात्कार का। ओह, तुम बहुत सोचती हो। मत सोचो ऐसी बातें, हाँ? निकाल डालो दिमाग में से। सो जाओ। पर माँ, कुछ नहीं होगा। चलो सो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो सो जाओ। झगड़ा खत्म, लड़ाई खत्म। अब तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाऊंगी मैं। सुनाना मत, सुनाना। अभी नहीं, बहुत काम बाकी है, रात को सुनाऊंगी। ठीक है? चलो सर, ऐसे झगड़ा नहीं करते, प्यार से खेलते हैं। समझ गए ना तुम? कौन सी कहानी सुनाऊं?
श्रवण कुमार की कहानी सुनाती हूँ, सुनिए कभी? नहीं, श्रवण कुमार कहाँ के रहने वाले थे? वो ना अयोध्या का रहने वाला था। उसकी माता का नाम था ज्ञानवती और पिता का नाम था शांतवन। दोनों ना श्रवण के जन्म के पहले बहुत दुखी थे। उनको लगता था कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, तब हमारा कौन सहारा होगा। फिर नारद जी एक दिन उनके घर में पधारे तो उन्होंने नारद जी को देखकर अपना दुख छुपा लिया। वो तो जानते थे कि इनके मन में दुख क्या है। उन्होंने उनको पूछा कि तुम्हारा दुखी होने का कारण क्या है। माँ, जब नारद जी जानते थे कि वो दोनों दुखी थे तो उनके दुखी होने का कारण क्यों नहीं जान पाए? वो उनके दुखी होने का कारण भी जानते थे। अच्छा। लेकिन जब ना इंसान को कुछ सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है ना, तो वो भगवान को भी भूल जाता है। समझी? आप कुछ समझे? मैं तो सब समझ गया। फिर ना ज्ञानवती और शांतवन ने नारद जी को बताया कि उनकी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए वो दोनों दुखी है। तब नारद जी ने शांतवन को बोला कि आप घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कीजिए, तब शायद ब्रह्मा जी आपको संतान प्राप्ति का वरदान दे दे। फिर इतना कह के ना नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर शांतवन ना घोर जंगल में चले गए और तपस्या करने लगे। घने जंगल में, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े प्राणी होते, उन्हें डर नहीं लगा? वो उन्हें खाने गए? नहीं नहीं, वो सब प्राणियों ने तो उनका आदर किया, सत्कार किया, वो उनको अतिथि मानते थे। वो साल हो गए, महीनों गए, वो घोर तपस्या करते रहे करते रहे। ऋतुएं आती गई चली गई और फिर सालों साल तक शांतवन ने बड़ी तपस्या की। इन दौरान ज्ञानवती भी घर में पूजा पाठ तप सब करती रही और दोनों ने बहुत ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या करते रहे करते रहे। ये देख कर ना सरस्वती ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को बोला कि आप शांतवन की कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं भी एक माँ हूँ, आप भी पिता है, आप शांतवन को वरदान क्यों नहीं दे रहे? इस बात का ब्रह्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उनकी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला, बोलो क्या वरदान चाहिए? तब शांतवन ने बोला, हमें पुत्र प्राप्ति चाहिए। तब ब्रह्मा जी चुप हो गए। फिर क्या हुआ? फिर शांतवन ने दुखी होकर ब्रह्मा जी को पूछा कि आपने हमें वरदान क्यों नहीं दिया, आप क्यों चुप हो गए? तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों पुत्र का चेहरा नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि विधाता ने उनके भाग्य में ये लिखा था कि जैसे ही उनके घर में संतान प्राप्ति होगी दोनों अंधे हो जाएंगे, दोनों की आंखें चली जाएगी। पर शांतवन ने कहा कि चाहे हम अंधे हो जाए, चाहे हमारी आंखें चली जाए, लेकिन हमें संतान चाहिए, हमें सहारा चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहके उन्होंने उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और वो अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ दिन गए, कुछ महीने गए और ज्ञानवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। और पर जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ दोनों की आंखें चली गई। फिर क्या हुआ? फिर भी वो दोनों दुखी नहीं हुए, बहुत खुश हो गए। और छठे दिन उनके नामकरण की विधि का समय आ गया। दोनों ने बड़े सच्चे मन से नारद जी की प्रार्थना की और नारद जी उनके घर में पधारे और उन्होंने पुत्र का नामकरण किया और क्या नाम रखा? श्रवण, श्रवण कुमार। दिन ब दिन श्रवण कुमार बड़े होते गए, जवान होते गए और उसकी मुलाकात विद्यावती नाम की एक लड़की से हुई और उन दोनों में प्रेम हो गया और फिर दोनों का विवाह भी हो गया। विवाह हो गया? हाँ। फिर एक दिन श्रवण कुमार को ऋषि वशिष्ठ से उसके माँ बाप के अंधे होने का कारण पता चला और वो बड़ा दुखी हो गया। उन्हें पता चला कि उनके जन्म के लिए माँ बाप ने कितनी बड़ी तपस्या की, उनके जन्म होने के लिए माँ बाप ने अपनी आंखों तक का बलिदान दे दिया। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब उसने ये तय कर लिया कि वो कुछ करेगा और उसके माँ बाप का बलिदान व्यर्थ नहीं होने देगा। तब उसने वशिष्ठ ऋषि से पूछा कि कैसे उनके माँ बाप की आंखें वापस आ सकती है। तब उसने बताया कि यदि तुम अपने माँ बाप को चारों धाम की यात्रा करवाओ तो तुम्हारे माँ बाप की आंखें वापस आ सकती है। श्रवण कुमार ने फिर तय कर लिया कि वो अपने माँ बाप की दृष्टि वापस दिलाएगा। फिर उसने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी।
उसने अपने माँ बाप से जाके बोला कि हम लोग यात्रा पे जा रहे हैं। तब माँ बाप ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम अंधे हैं, हम तो निर्बल हैं, हम कैसे यात्रा को जा सकते हैं। तब श्रवण कुमार ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है। फिर श्रवण कुमार ने ना एक कावर तैयार किया, एक में माँ को बिठाया और एक में पिता को, और वो कावर लेके निकल पड़ा। जब राजा दशरथ को ये मालूम पड़ा ना, तो राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को हाथी घोड़ा पालकी सब सहायता देने की बात की। तब श्रवण कुमार ने बिल्कुल मना कर दिया, बोले नहीं, अच्छा, मैं अकेला ले जाऊंगा। अच्छा। और फिर वो चारों धाम यात्रा को निकल पड़ा। और इस तरह से श्रवण ने अपने माँ बाप को चारों धाम की यात्रा करवाई। और जब वे घोर जंगल से गुजर रहे थे, तब उनके माँ बाप को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण को बोला कि बेटा, तुम भी थक गए होंगे, तुम भी थोड़ा आराम कर लो और हमें पानी पिला दो। तब श्रवण ने अपने माँ बाप को पेड़ की घनी छांव के नीचे बिठाया और घड़ा लेके नदी किनारे पानी भरने चले गए। जैसे उन्होंने घड़ा नदी में रखा और पानी भरने की जैसे ही आवाज़ आई, राजा दशरथ जो वहाँ शिकार करने के लिए निकले हुए थे, उन्होंने आवाज़ की दिशा में तीर चलाया और ये तीर श्रवण की छाती के आर पार चला गया। फिर क्या हुआ? फिर श्रवण तड़पने लगा और राजा दशरथ उसके पास दौड़े चले आए। वो उसने देखा कि उसने तो प्राणी को नहीं लेकिन श्रवण को तीर मार दिया है। वो बड़े दुखी हो गए। तो श्रवण ने बोला कि यहाँ नजदीक में मेरे माता पिता है, बड़े प्यासे, उनको जाके ये पानी पिला दीजिए। और ये कह के उसने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ वो पानी लेके उसके माँ बाप के पास पहुँचा और उनको पानी पिलाने लगा। तब उसके माँ बाप को पता चल गया कि नहीं, ये मेरा बेटा श्रवण नहीं है, ये कोई और है। तब उसने बताया कि बोलो तुम कौन हो, कहाँ है मेरा बेटा श्रवण। तब राजा दशरथ ने बोला कि ऐसे उनकी गलती हो गई, उनके हाथों से उनके श्रवण की हत्या हो गई है। तब माँ बाप विलाप करने लगे, रोने लगे और कहने लगे कि जैसे तुमने हमारे पुत्र की हत्या कर दी है और हमें पुत्र वियोग से हमें दुखी किया है, वैसे ही तुम भी, तुम्हें भी अपने पुत्र वियोग से दुखी होना पड़ेगा, तुम भी हमारी तरफ विलाप करते रहोगे। और ये कहकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए और राजा दशरथ बड़े दुखी हो गए और अपने नगरी अयोध्या वापस जाने लगे। और इस तरह से श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हें इस कहानी से कुछ सीखने को मिला? हाँ, यही कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना राजा दशरथ की तरह पछताना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और हर बच्चे को श्रवण कुमार की तरह ही अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बराबर है ना? माँ, माँ, माँ देखो माँ, मुझे कुछ हो गया। माँ क्या हुआ तुझे? हाँ क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तुझे कुछ नहीं हुआ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हर लड़की के साथ ऐसा होता है। तू बड़ी हो गई। माँ जब तुम बड़ी हुई थी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था? हाँ, हर बड़ी लड़की के साथ ऐसा ही होता है। माँ मुझे बड़ा नहीं होना है। ठीक है, तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं, इस चार दिनों में तू रसोई घर में नहीं आ सकती, इस दौरान लड़की अशुद्ध होती है। हाँ हाँ, और तू बिस्तर पे भी नहीं सो सकती। हाँ, इसीलिए आप चार दिन रसोई घर में नहीं आती थी और बिस्तर पे भी नहीं सोती थी ना? हाँ बिल्कुल ठीक समझी तू। अब मैं तेरे लिए चटाई लेकर आती हूँ। हाँ मुबारक हो। क्या हुआ भगवान? आज आपकी बेटी बड़ी हो गई है। जिस दिन के लिए मैं और आप इंतजार कर रहे थे, आखिर आज वो दिन आ ही गया। याद है निशा की शादी के बाद जब हम उसे विदा करके ला रहे थे तो मैंने तेज सिंह को वचन दिया था, उनका तेज सिंह आज से तेरी अमानत मेरे पास है, मैं इसकी हिफाजत तब तक करूंगा जब तक इसे गोने की तारीख पक्की नहीं हो जाती। भगवान ने आज मेरी जवान रख ली निशा की मां, अब हम कभी भी गोने की तारीख पक्की कर सकते हैं। तो फिर आप
संधी साहब के साथ मशवरा करके विदाई की तारीख पक्की कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर सके। बिल्कुल, मैं आज ही तेज सिंह को संदेशा भिजवा था। माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। नहीं बेटा, अब तुम बाहर नहीं जा सकती, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें किसी इज्जतदार घर की बहू बनकर रहना है, इस घर से विदा होकर अपने घर जाके रहना है। अपना घर? मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी, ये तो मेरा ही घर है। देख बेटा, आ मैं तुम्हें समझाती हूँ। देख, हर लड़की पराए घर की अमानत होती है, तू भी किसी की अमानत है। अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें अपनी सही जगह पर पहुंचाकर हम अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएं। मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रही हूँ माँ। देख बेटा, हम लोगों ने बचपन में तुम्हारी शादी कर दी है, अब ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के अंदर तुम्हें अपने पति के घर जाना होगा। मेरा पति? कौन है मेरा पति? तू उसे नहीं जानती, लेकिन थोड़े ही दिनों में तू अपने पति, अपने ससुराल वाले सबको पहचान जाएगी, सबको जान जाएगी, और वो लोग भी तुम्हें जान जाएंगे। लेकिन माँ, जिसे मैंने देखा तक नहीं है, जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ?